बुधवार को अष्टमी तिथि है, राधा अष्टमी भी है बुधवार को, दुर्वा अष्टमी भी है बुधवार को, और गौरी अष्टमी भी है बुधवार को। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के तृतीय अध्याय में वर्णन किया, बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो, मूंग जानते हरे मूंग, मूंग की दाल होती ना जो हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक खोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, पांच बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर पांच बेलपत्र रखकर बुधवार और अष्टमी तिथि, राधा अष्टमी भी है दुर्वाष्टमी भी है, दुर्वाष्टमी जिस दिन भगवान ने गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको दुर्वा दी थी, वो अष्टमी है। पहली बार दुर्वा चढ़ी थी गणेश जी को, उसका व्याख्यान आएगा भी कथा। मूंग कटोरी में भरकर, गुड़ की खोड़ी रखकर, गुड़ की बट्टी, पांच बेल पत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा श्वास किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर चौखट पर गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही, बुधवार अष्टमी जिस दिन भगवान ने गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको दुर्वा दी थी, वो अष्टमी जो अभी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस जिसके घर में शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है, क्लेश 24 घंटे बना हुआ है घर में, ना कोई बात ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी सबका मुंह फूला हुआ है, उसके बाद भी सबका चेहरा उतरा हुआ है, जिस घर में सुख और शांति ये दोनों चीजें नहीं है, वो निवेदन है लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर उसमें थोड़ा धना, धना जानते हो खड़ा धना आता है, धना पाउडर नहीं, धना हरा धना, और पांच गोल सुपारी, जो गोल सुपारी होती है पूजन वाली सुपारी, पांच पूजन वाली सुपारी, पांच बेलपत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल मध्य स्थल मिलाकर वहां पटे पर रखकर कुकुर चावल से पूजन कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रखकर आ जाता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश। 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो, अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ, और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए, और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा, दुर्वा सुख का अनुभव करा दे,
शिव महापुराण बहुत सुंदर व्याख्यान कर रही है। एक निवेदन है आपको, फिर कहूंगा, बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है दुर्वाष्टमी, राधाष्टमी, गौरी अष्टमी बुधवार के दिन पड़ रही है। जिसके घर में शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है, क्लेश 24 घंटे बना हुआ है घर में, ना कोई बात ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी सबका मुंह फूला हुआ है, उसके बाद भी सबका चेहरा उतरा हुआ है। जिस घर में सुख और शांति ये दोनों चीजें नहीं है, वो निवेदन है लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर, उसमें थोड़ा धना, धना जानते हो, खड़ा धना आता है, धना पाउडर नहीं, धना, हरा धना, और 5 गोल सुपारी, जो गोल सुपारी होती है पूजन वाली सुपारी, 5 पूजन वाली सुपारी, 5 बेलपत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल, मध्य स्थल मिलाकर वहां पटे पर रखकर कुकु चावल से पूजन कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रख कर आ जाता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश कर जाए। जिनको शुगर की बीमारी हो, बीपी हो, उनसे निवेदन करूंगा, गणेश जी का दांत जो टूटा हुआ है, उस टूटे हुए दांत के भाग की ओर 5 दुर्वा सफेद, सफेद दुर्वा, पानी का जो जलाशय होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, नदी होती है, वहां लगती है सफेद, 5 सफेद दुर्वा टूटे हुए दांत की ओर समर्पित कर दें बुधवार के दिन अष्टमी तिथि दुर्वाष्टमी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे वही दुर्वा 5 मिनट बाद उठा लें और उस दुर्वा को एक एक दिन में सुबह खाली पेट एक एक दुर्वा को खा लें। महाराज आपका शुगर शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा, आपके पास में जांच की मशीनों का अवश्य करिए। पति और पत्नी में दरार पड़ गई हो, जिस पति पत्नी की बात समाप्त होकर अदालत में केस पहुंच चुका हो, तलाक की बात आ गई हो, और दोनों को दिल से अगर जुड़ना है कि मुझे इनके साथ रहना है या उसको इसके साथ रहना है, और अदालत तक बात पहुंच गई है, वो अदालत को भी जाने दो, केवल आप बुधवार की अष्टमी के दिन जो आने वाली है, बुधवार के दिन, बुधवार की अष्टमी के दिन महाराज भगवान